गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द TSN स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर। इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी नंबर 2। टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड द कीप द अदर अंडर शेड। हमें दो प्लेट लेनी है, उसमें से एक प्लेट को हम सूरज की रोशनी में यानी सनलाइट के अंदर रखेंगे और दूसरी को हम छाया में रखेंगे। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। दोनों ही प्लेट्स के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर पानी डालेंगे। यू कैन यूज़ अ कप ऑफ बॉटल टू मेजर वाटर। आप किसी कप का यूज़ कर सकते हैं, किसी बॉटल का जो कप होता है उसका यूज़ कर सकते हैं कि हमने इतना पानी डाला है। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो कहीं बिल्कुल ऊपर से ना निकल जाए, ना स्पिल ओवर ना हो जाए। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट के बाद में आप उस प्लेट को ऑब्जर्व कीजिए। डज द वाटर सीम टू बी डिसअपियर। क्या आपको लगता है कि पानी जो है वो डिसअपियर हो गया है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। पहले किस प्लेट से पानी डिसअपियर हुआ। वॉट इज़ द सोर्स ऑफ द हीट फॉर दिस इवेपरेशन। इस इवेपरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें हीट कहाँ से मिली है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन रिवर्स लेक्स एंड द पॉन्ड्स। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इन टू वेपर। हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। जब डे टाइम होता है, दिन का समय होता है, तो सनलाइट जो है बेटा वो ओशियन रिवर लेक्स और पॉन्ड्स के पानी के ऊपर गिरती है। द फील्ड्स एंड द अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो फील्ड्स हैं और जो दूसरे लैंड एरियाज हैं उनको भी सनलाइट मिलती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इन टू वेपर। इसीलिए इन सभी जगहों से जो पानी है वो वेपर बनकर उड़ जाता है। हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। और जो सॉल्ट हैं वो पीछे रह जाते हैं। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड द वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट कीप्ड इन द शेड। जो एक्टिविटी नंबर 2 हमने किया उसके अंदर क्या आपको लगा कि जो हमने छाया के अंदर प्लेट रखी थी उसका पानी डिसअपियर होता है। थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। और इसके अंदर कितना समय लगता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर। क्या अंदर की तरफ सनलाइट आ रही थी। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। जो दिन का समय होता है उसमें हमारे चारों तरफ की जो हवा होती है वो सन की वजह से गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवेपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। यही गर्म हवा छाया के अंदर इवेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। दिस इवेपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए जितने भी ओपन सरफेस है वहाँ पर इवेपरेशन का प्रोसेस होता ही है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गैस कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। हाउएवर इवेपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो वाष्पसर्जन का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमे होता है। दैट इज़ वाई वी रियली नोटिस इट लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर इन सनलाइट। इवेपरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर। इस इवेपरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। इज देयर आर अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इन टू एयर। ये आगे बता रहे हैं कि जो वेपर होती है, वाटर वेपर जो होती है वो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता ही रहता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना धीरे होता है कि हम इसे नोट नहीं कर सकते। आगे बताया जा रहा है कि यदि हम एक बकेट जो है पानी से भरकर हम धूप में रख दें तो वो बहुत धीरे धीरे उसका इवेपरेशन होगा, लेकिन अगर पानी को हम गर्म करें है ना तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा, फास्टर होने लग जाएगा। तो इवन एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इन टू एयर। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास में भी आएगा बेटी आपकी, तो आप बहुत ध्यान से इसकी स्टडी करना कि यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर नंबर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो।
हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर स्टडी किया था कि प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो हैं वो खाना तैयार करते हैं इस पानी का यूज़ करके, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशन। डू यू सम रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर नंबर 7। तो ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो क्या था कि जो लीफ होती है उसकी निचली सतह के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और ये जो स्टोमेटा होते हैं यहाँ से जो एक्सेस ऑफ वाटर है, प्लांट का जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इवेपरेट होता रहता है, और इसी वजह से किसी भी पेड़ के नीचे हमें ठंडक का एहसास होता है गर्मियों में, है ना। और इसके अलावा जो गैसेस होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तो अंदर ले लेते हैं उन्हें स्टोमेटा से, और जो ऑक्सीजन गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनती है उसे वो हमें स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर की तरफ दे देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि प्लांट्स में एक्सेस ऑफ वाटर का स्टोमेटा से वाष्पीकरण हो जाना या उसका इवेपरेशन हो जाना, ये जो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन कहलाता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, ये बादल कैसे बनते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 3 है हमारे पास कि टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। हमें एक गिलास लेना है जिसमें आधा पानी भरा हो। विप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। एड सम आइस इन टू द वाटर। वेट फॉर 1 or 2 minutes। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द अदर सरफेस ऑफ द ग्लास। अदर सरफेस ऑफ द ग्लास इन फिगर 14.6 के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या करा जा रहा है कि पहले एक गिलास ले लिया है और उस गिलास के अंदर क्या करा है बेटा, उसे आधा पानी से भर लिया है। अब उसके बाद में वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। इसमें क्या करा कि उसको वाइप कर दिया है एक क्लीन क्लोथ से, साफ कपड़े से उसे वाइप कर दिया बाहर की तरफ से, और उसके बाद में कुछ आइस जो हैं वो डाली जा रही है पानी में। कुछ समय बाद में हम क्या देखते हैं, फ्रॉम वेयर टू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 and 5 इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। तो हमें क्या दिखता है कि जो ग्लास है उसके बाहर की तरफ हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कंडेंसेशन क्या है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर का ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन कहलाता है। हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। वैन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड द कूलर। एट सफिशेंट हाइट्स द एयर बिकम सो कूल एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फ्रॉम टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। इट इज दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। इट सो हैपन that many droplets of water come together to form larger size drops of water. Some drop of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops were water we call rain. In special condition it may also fall as hail or snow. This water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail or snow. ये जो हमने स्टडी किया था कि समुद्र का जो पानी होता है, ओशंस का, सीज का जो पानी होता है वो इवेपरेट होता रहता है बेटे। ये जो इवेपरेशन है ये टिनी ड्रॉप्स होती हैं ना, वाटर की टिनी ड्रॉप्स होती हैं, और आगे जाके ये इतनी ऊँच, ये क्या हवा के साथ में ऊपर की तरफ जाती जाती है एयर के साथ में।
ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ठंडे होने लगती हैं, और ठंडे होने के बाद में एक ड्रॉप दूसरे ड्रॉप के साथ में मिलने लग जाती है। तो हम इनको क्या कहते हैं, कंडेंस होने के बाद जो टिनी ड्रॉप्स होती है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये एयर के साथ में फ्लोट करते रहते हैं, और आपस में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, यानी ये हवा की दिशा के साथ साथ चलते जाते हैं। वहीं इन्हीं रास्ते के अंदर जहाँ भी कोई पहाड़ मिलता है वहाँ पर ये टकराते हैं, और टकराने के बाद में वो जो पानी है वो फिर से हमारे अर्थ पर आ जाता है बारिश के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये स्टडी किया कि वाटर साइकिल किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और केवल बारिश के रूप में ही नहीं, अगर ये जब बहुत ज़्यादा इसमें आगे बता रखा है कि वाटर इज़ द फॉर्म ऑफ द वेपर गोज इनटू अ एयर बाय इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्लाउड्स एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। तो ये केवल पानी के रूप में ही नहीं बल्कि ओले के रूप में, स्नो के रूप में, बर्फ़ के रूप में, हेल्स के रूप में भी ये वापस अर्थ के ऊपर आती हैं। बैक टू द ओशियंस, अब हम बात करते हैं ओशियंस के बारे में। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड द स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशियन। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर एंड द लेटर गोज बैक टू द ओशियन। दिस हैपन्स इन मैनी वेज। अब आगे बताया जा रहा है कि जहाँ भी रेन गिर रही है, स्नो गिर रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है अर्थ की, है ना। किसी एक जगह पे तो ये वर्क हो नहीं रहा कंटिन्यूसली। तो स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर, जो बर्फ़ है माउंटेन्स में जब पिघलती है तो वो क्या पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द रिवर। ये जो पानी है वो रिवर फॉर्म के अंदर माउंटेन्स से आता है। जैसे कि अगर हम गंगा नदी की बात करें तो वो कहाँ से आती है, हिमाचल के अंदर उसका ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थल है, जिसको हम कहते हैं गंगोत्री। तो ये गंगोत्री से निकलती है तो हिमालय पे क्या बेटा बर्फ़ है, तो वही बर्फ़ पिघल कर है ना और नदियों के अंदर पानी के फॉर्म में आ रही है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन also flows in the form of the rivers and the stream. Most of the river cover the long distance on land and the ultimately fall into a sea or an ocean. तो इसको ये बताया गया है यहाँ पर कि बहुत सी नदियाँ जो हैं वो पहाड़ से निकल रही हैं और उसके बाद में कई किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वो आगे जाके ओशन में गिर जाती हैं। तो इसका वही एग्जाम्पल गंगा नदी वाला देखिए, गंगोत्री से निकलती है हिमालय से और ऋषिकेश, हरिद्वार, डेली, इसके बाद में अलग अलग जगहों से होती हुई और वो लास्ट में ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। तो द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड द पॉन्ड्स। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड द सीम्स टू बी डिसअपीयर इन द सॉइल। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। कई बार ऐसा होता है कि जो बारिश का पानी है वो लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर जाता है और बहुत सारा पानी जो है वो ग्राउंड जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। और इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बढ़ता है। द रेस्ट सीप्स इन टू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम द अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर। और इसे हम और ग्राउंड वाटर के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओपन वॉल्स आर फेड बाय अ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स फॉर अ मैनी लेक्स एज वेल एज इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैडपम्प एज अ ट्यूबवेल। जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ हम हैडपम्प या ट्यूबवेल चला कर सकते हैं। द मोर हैडपम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग To find this groundwater, the loss of this level of the groundwater due to the overuse of the worrisome. Pahili wants to share a concern with you in those areas where the land has little or no vegetation. The rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away from it. There are few areas where most of the land is covered with the
concrete, and this reduces the seeping of the rainwater into the ground, which the ultimately affect the available of the groundwater. आगे जाके बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि सड़कें बना दी गई हैं, कंक्रीट बिछा दी गई है, तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो कंक्रीट लगी हुई जो सड़कें हैं वहाँ पर वाटर जो है उसको सिप नहीं किया जा सकता, है ना, उसे नीचे की तरफ अवशोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्क जो है वो तो कच्ची मिट्टी के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है. वी नाउ नो दैट द वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन. अब हम ये जान चुके हैं कि वापस पृथ्वी के ऊपर पानी बारिश के थ्रू आता है, हेल और स्नो के थ्रू आता है, गोज बैक टू द ओशन और फिर ये ओशन में चला जाता है. दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू एयर एज अ वेपर, रिटर्न एज द रेन, हेल और द स्नो एंड द फाइनली गोज बैक टू द ओशन. अब ओशन का जो पानी है वो इवेपरेट होता है, इवेपरेट होने के बाद में क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के बाद में अगेन बारिश होती है और हेलस्ट्रॉम के थ्रू वो वापस से ओशन में पानी पहुँच जाता है. द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज द मैनर, अंडरलाइन करना है यहाँ पे, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल. ये जो सर्कुलेशन हमने स्टडी किया है इसे ही वाटर साइकिल कहते हैं. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ओशन एंड द लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. ठीक है, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है और इसी के थ्रू जो अर्थ के ऊपर पानी है उसका सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो मेंटेन रहती है. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 14.5 बेटा, वो अपन इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में करेंगे. आई होप कि यहाँ आज का जो जो टॉपिक था हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से पानी जो है उसका मतलब किस तरीके से उसका साइकिल कंप्लीट होता है, वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट होता है. और आई होप आपको ये स्टडी करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है. ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे.